हरि ओम। ज्योतिष प्रवाह इस दैनिक कार्यक्रम में सिटी न्यूज पर मैं प्रकाश चंद्र सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे ऋषियों और मुनियों की गायन तप की फलश्रुति यह विद्या हम सभी के लिए आशीर्वाद से कम नहीं। हमारे तर्क भ्रम और समझ से मुक्त कर हमें एक श्रेष्ठ विचार धन देने का सामर्थ्य इस विद्या में है। इस विद्या को नमन करते हुए सजयति सिंदूर वदन देवो यार पद पंकज स्मरणम वासरमणि रेव तमसा राशिन्य शैति विघ्ननाम ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परप्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदगते कारणमीश्वर वा तस्मै नमो विघ्न विनाशाय। आज दिनांक 5 सितंबर 2012 अधिक भाद्रपद कृष्ण पंचमी है। आज बुधवार अश्विनी नक्षत्र और ध्रुव योग कौलव करण मेष राशि जिसके अधिपति और स्वामी है मंगल। आज का दिन विशेष है। आज दग्ध व्रत भी है, अमृत सिद्धि मुहूर्त भी है। दग्ध व्रत विशेष कार्य के लिए विशेष प्रायोजन के लिए विशेष सिद्धिदायक होते हैं, जिसमें अमृत सिद्धि मुहूर्त भी साथ जोड़ा जाए तो उसका क्या कहने। आज जन्मे बालकों का नामाक्षर है चू चे चो और ला, और आज के दिन के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह 10:30 से 12 बजे तक और दोपहर 1:30 से 3:30 बजे तक, शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। आज के दिन के लिए शुभ मंत्र है मंगल का, मंगलम भगवान विष्णु मंगला गरुड ध्वज मंगलम पुंडरीकांक्षो मंगला यतनो हरि। सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगल के इस बहुत ही पुण्यप्रद मंत्र को धारण करते हुए आज के दिन के लिए शुभांक है 5 और आज के लिए शुभ रत्न है मूंगा, शुभ धातु है तांबा, शुभ वृक्ष है पीपल और शुभ दिशा है पश्चिम जिसके अधिपति और स्वामी है महालक्ष्मी। आज के लिए श्रेष्ठ ग्रंथ है पढ़ने के लिए नारद पुराण। हमारे नारद संप्रदाय में, भागवत संप्रदाय में, वारकरी संप्रदाय जिसमें जुड़ा हुआ है, पाड़ा व्रत का श्रेष्ठ फल जिसमें दिया हुआ है वह नारद पुराण को पढ़ने और दर्शन से बहुत ही अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। आज के दिन के लिए शक्तिदायी विचार है कि हम नागरिकों का, सारे भारतवंशियों का परम कर्तव्य होता है कि हम कम से कम एक दिन हमारे देश के लिए प्रार्थना जरूर करें, हमारे देश के लिए एक यज्ञ अनुष्ठान जरूर करें। जैसे हम साल भर भोजन करते हैं तो सभी माताओं के लिए अन्नपूर्णा यज्ञ करते हैं, उसी तरह हम हमारे देश के लिए भी एक यज्ञ करें। यह श्रेष्ठ विचारों के साथ कैसा रहेगा आज का दिन, देखिए एक नजर में। मेष राशि, अगर काम मनपसंद हो तो व्यक्ति को थकान नहीं बल्कि उत्साह आता है, समय भी पता नहीं चलता। आज आपको मनपसंद कार्य प्राप्त होने वाला है और आप आपके कार्य में पूरी ईमानदारी भी झोंकने वाले हो। आज आपका भाग्य है 45%। वृषभ राशि, आज आप आपके लिए एक विशेष खोज करने वाले हो कि मैं मेरे लिए सबसे अच्छा क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आपके पास इतने सारे मार्ग खुले हुए हैं जीवन जीने के लिए, तरक्की करने के लिए, यश और सफलता पाने के लिए, लेकिन आप आपके लिए उचित खोज करने वाले हो कि मैं मेरे लिए सबसे अच्छा क्या कर सकता हूँ और उसके पीछे आप लगे रहोगे, सफलता भी आपके साथ है। आज आपका भाग्य है 50%। मिथुन राशि, आज आपको बड़ा ही सावध और सतर्क रहने का दिन है, क्योंकि अकेले रहने वालों के घेरे में आप आ चुके हो। बेहतर है आप समाज में अकेले रहने वाले पुरुष और अकेले रहने वाले स्त्रियों से सावध रहे, उनके साथ न कोई व्यवहार करे, न कोई रिश्ता बनाए, उनकी परीक्षा लेकर उनको किसी को साथ लेकर आने को कहे ताकि आपकी सुरक्षा हो जाए, अन्यथा आप किसी लोचे झोले में फंस सकते हो। आज आपका भाग्य है 55%। कर्क राशि, आज आपका विश्वास बदलने वाला है
क्योंकि आपकी रुचि भी बदलने वाली है। आप कल्याणकारी और परोपकारी बनने वाले हो। देव दर्शन और दान धर्म की ओर आपकी वृत्ति बड़े ही घर के लिए, अपने संतान और बच्चों के लिए, पितरों के लिए एक पुण्यवर्धन का पर्व आपके सामने रखे हुए है। आज आपका भाग्य है 60%। सिंह राशि। सफलता से ज्यादा जीवन में सुरक्षा बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इस बात का अंदाजा आज आपको आ जाएगा, क्योंकि कोई आप पर नजर रखे हुए है। आपके गुप्त व्यवहार, कर्म और आपके आचरण पर कोई ऐसे नजर रखे हुए है मानो आपकी आपको किसी की नजर लग सकती है। आपको बड़े ही सावध और सतर्कता की आवश्यकता है। आज आपका भाग्य 65%। कन्या राशि। कहीं आपका आज विश्वासघात न हो जाए। अनावश्यक लोगों पर विश्वास रखना बड़ा ही घातक होता है। विश्वास रखते वक्त कानून का ज्ञान भी ध्यान में रखना बड़ा आवश्यक होता है। शास्त्रों का ज्ञान भले ही न रखा जाए, लेकिन व्यवहार में कानून का ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान व्यक्ति के लिए बड़ा ही विश्वास रखने के लिए आवश्यक है। कोई भी कागज पर बिना पढ़े सही न करे। हो सकता है आपके लिए आपकी पत्नी की सलाह भी फायदेकारक हो। आज आपका भाग्य है 70%। तुला राशि। आपके जीवन में धन का नियोजन चूकने वाला है, धन के नियोजन का अभाव दिखने वाला है। व्यवहारिक अज्ञान की पीड़ा आपको सही नहीं पड़ सकती है। कहीं आपका अपनों से, आपसे भी छोटे लोगों से शोषण न हो जाए। आपके बच्चे और परिवार में मन लगाए, किसी विशेष विद्वान लोगों का सहायता ले। हो सकता है आपके लिए एक अच्छा पंडित या अच्छा वकील या अच्छा डॉक्टर संपर्क में रखना बड़ा आवश्यक है। आज आपका भाग्य है 75%। वृश्चिक राशि। आपकी परिस्थिति में सुधार होने वाला है, क्योंकि आप स्त्रियों को सम्मान देने की ओर कदम आगे बढ़ा चुके हो। आज आप वृद्धों को विशेष सम्मान देकर आज के दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आपके पुण्य के दिन आए हुए हैं, दुर्भाग्य समाप्त हो चुका है। आज से आपको सारा उदय ही, तरक्की की दिशा ही मिलने वाली है। आज आपका भाग्य है 80%। धनु राशि। आज आपको लॉटरी लग सकती है, कंटेस्ट में यश मिल सकता है, स्पर्धा में भी आप आगे रह सकते हो। अचानक होने वाला लाभ योग आपके तरक्की की दिशा निर्धारित कर सकती है और आपके विश्वास को मजबूत कर सकती है। आज आपका भाग्य है 85%। मकर राशि। आज आप इंटीरियर गेम में, किसी विशेष इंटीरियर गेम में एक्सपर्ट होने वाले हो। खेल के प्रति रुचि बढ़कर आप उसमें निष्णात होने वाले हो और आपके खेल के अनुरूप आपको मित्र भी आज आपको प्राप्त होने वाले हैं। अगर आप विद्यार्थी हो तो आपके लिए यह परिवर्तन, यह योग सबसे महत्वपूर्ण जीवनदायी साबित होने वाला है। आज आपका भाग्य है 90%। कुंभ राशि। अपना भला किए बगैर दूसरों को भला करना मूर्खता से कम नहीं होता। पहले अपने को, अपने परिवार को राजा बनाने में फायदा है, फिर दूसरों को ही अपना राजापन दिखाने में फायदा होता है। अपने बड़प्पन के शौक को पीछे लेना ही फायदेकारक है, अन्यथा आप पर अचानक आप बीती आ सकती है। लेकिन आपके भीतर जो बुद्धिमान बैठा हुआ है, वही आपको सब कुछ सलाह देता रहेगा, उसी की सुनिएगा। आज आपका भाग्य है 85%। मीन राशि। आज आपके कला गुण का परिचय आने वाला है। आपके कला गुण के लिए श्रेष्ठ अवसर और श्रेष्ठ वातावरण प्राप्त होने वाला है। फलस्वरूप आने वाले दिनों में, आज के दिन आपका कला गुण का होने वाला परिचय एक व्यापक सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि में बदल कर दे सकती है। आप क्या थे और क्या हो और क्या हो सकते हो, इस बात का अंदाज आपको आ जाएगा। आज आपका भाग्य है
80%। चलो यहाँ पर हम 12 राशियों का भविष्य कथन समाप्त करते हैं। जिनका भी हमने अनुकूल बताया हो उनके लिए बधाई, उनका अभिनंदन। जिनका भी हमने प्रतिकूल बताया हो उनके लिए अपने जन्म तिथि या नक्षत्र के अनुसार कोई भी व्रत उपवास या अनुष्ठान से मनोवांछित लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई सिद्ध रत्न या रुद्राक्ष भी आपके लिए विशेष फलदायी साबित हो सकता है। चलो आज जन्मे नए नन्हे बालकों को देते हैं आशीर्वाद, जो दर्शाते हैं कि हमारे रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रकृति अपना चक्र निरंतर चलाती रहती है। वो मुस्कुराहट इस बात की साक्ष्य है, उनको आशीर्वाद देते हैं। उमा गौरी शिवा दुर्गा भद्रा भगवती तथा कुल देवत चामुंडा रक्षन्तु बालक सदाहा। मैं प्रकाश चंद्र आप सभी दर्शकों से लेता हूँ इजाजत। देखते रहेगा सिटी न्यूज। वैसे आप हमें फेसबुक या ट्विटर पर भी मिल सकते हो। हमें मिलने के लिए लॉग इन करें www.citynews.net.in पर। हरि ओम तत्सत। Thank you.